हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मेरे इस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाई वीके सर, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग जानते हैं, हमने नरेशन के बारे में स्टार्ट किया था, नरेशन के बारे में बताया था बिल्कुल ही बेसिक से, कि जिसको भी नहीं आता है नरेशन, अगर वो एक बार जाकर के वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल उनको अच्छे तरीके से नरेशन समझ में आ जाएगा। तो आज हम उसी के लाइन में सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं नरेशन। उस वाले में हमने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज हम प्रैक्टिस लेकर के आए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देख लीजिए, पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, ही विल से आई हैव इटन माई लंच। क्या लिखा गया यहाँ पे, ही विल से आई हैव इटन माई लंच। अब हमें क्या करना है, इसका जो है इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो हमने बताया क्या था, रूल्स को याद रखेंगे, क्या क्या इसमें रूल होते हैं, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। हम लिख रहे हैं यहाँ पे आई एस, मतलब आप समझ जाएगा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ही है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ही का ही लिख दिया जाता है। लेकिन अब देखें यहाँ पर विल से आया हुआ है, तो क्या इस रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो कामा के बाहर होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, हमने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस होता है, उसको तो हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते उसके साथ में, तो जो ही टेंस रहेगा उसी टेंस में हम इसको रहने देंगे। तो ये हो गया ही का ही, और विल का विल हो गया। लेकिन अब ये देखें से है, क्या ये से चेंज होगा, तो हमने इसके कंडीशन बताए थे कब ये चेंज होगा कब ये नहीं होगा। तो से के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का क्या करेंगे, से का से ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, से का से रहने देंगे। लेकिन अगर इसके बाद में क्या होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, तो से को हम क्या करते, चेंज कर देते, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमें कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए कनेक्टिव लगाने के लिए। तो ये बताइए, आई हैव इटन माई लंच आया हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि ये जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन आता है, कनेक्टिव आता है, वो क्या आता है, दैट आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा दिए, दैट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आप लोगों को हमने बताया था इस रूल को याद रखने वाला, कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर आई आया हुआ है, आप जाकर के पीछे पिछले वाले वीडियो में क्लास देख सकते हैं कि आई है यहाँ पे, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन का, तो आई है, तो आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, है ही है। अब हमें यहाँ पर ही प्रोनाउन मिल गया है, ही को इसके पास लेकर के आएंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आई है वो कौन से केस में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आई कौन से केस में है, नॉर्मेटिव केस में है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नॉर्मेटिव केस ही होगा। तो आई नॉर्मेटिव केस है, तो ही यहाँ से होकर के आएगा, तो ये भी नॉर्मेटिव केस में आएगा। और ही का नॉर्मेटिव केस क्या होता है, ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब देखते हैं आई हैव इटन माई लंच, यहाँ पर हैव आया हुआ है, क्या ये टेंस बदला जाएगा। तो आपको ये भी मालूम होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी हम टेंस बदलते हैं, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। तो विल आया हुआ है यानी कि फ्यूचर हो गया, और जब ये फ्यूचर हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना। तो हम क्या करेंगे, ही का तो ही, लेकिन आई के साथ तो हैव लिखे हैं, इटन आया वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। क्या हैज लगाने से टेंस बदला है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आई था तो हैव लगाएंगे, लेकिन ही है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही है। तो ये हो जाएगा क्या, इटन। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया माई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही है। अब ही को इसके पास लेकर के आएंगे, तो माई कौन से केस में है, पजेसिव केस में। तो जो यहाँ से ही आएगा वो भी कौन से केस में आएगा, पजेसिव केस में आएगा। तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। और यहाँ पर क्या लास्ट में बचा हुआ है, लंच बचा हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला सेंटेंस हुआ, बिल्कुल आसान से भाषा में है कि ही विल से दैट ही हैज इटन हिज लंच। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है इसका भी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमन सेज आई डिड नॉट टीच। अब हम इसका बनाते हैं, देखिए क्या बनेगा। अमन का तो अमन ही रहने देंगे यहाँ पे, ये अमन का अमन हो गया। देखिए सेज के बाद में क्या कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो भी इसका वर्ब होगा उसको वैसे एज इट इज लिख देना है हमको, तो अमन सेज का अमन सेज हो जाएगा। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्यों दैट लगाया हमने, क्योंकि आगे वाला जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दैट लगाए हैं। अब देखें यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन मिल गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी, आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल गया तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और सब्जेक्ट क्या मिला यहाँ पे, अमन मिला, और अमन क्या है, नाम है, यानी कि नाउन मिल गया। तो एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि जब कभी भी आपको नाउन मिल जाता है तो नाउन का प्रोनाउन लेने के लिए हम किस पर्सन में जाते हैं, थर्ड पर्सन में जाते हैं। और थर्ड पर्सन में आपको प्रोनाउन क्या क्या मिलता है, एक ही मिलता है, एक सी मिलता है, और एक इट मिलता है, और एक क्या मिलता है, दे मिलता है। तो आप बताइए यहाँ पर अमन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या मिलेगा, ही सी इट और दे, इन तीन चारों में से कौन सा सही होगा। दे तो आप जानते हैं प्लूरल के लिए लगाते हैं, और सी होता है वो फीमेल के लिए आता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। इसमें जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो आपका ही कम लग रहा है, सही है कि अमन भी सिंगुलर और ही भी सिंगुलर, यानी कि प्रोनाउन इसका क्या मिलेगा, ही मिलेगा। और जब हम ही को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो आई नॉमिनेटिव केस में है तो ही भी नॉमिनेटिव केस में आता है, तो ही का नॉमिनेटिव क्या होता है, ही होता है, वो हो जाएगा। अब देखेंगे आई डिड नॉट टीच, देखें यहाँ पर डिड नॉट आया हुआ है, यानी कि पास्ट इनफिनिटिव हुआ, डिड नॉट टीच है, हेल्पिंग वर्ब डिड आई हुई है, और यहाँ पर टीच मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म आया हुआ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखें बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेगा, तो कहेगा भाई देखो इससे पूछते हैं बदलेगा कि नहीं, तो ये कहेगा कि भाई देखो हम प्रेजेंट में है, यस यस लगा हुआ है, तो रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है, और जब ये प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज करना है, और अगर पास्ट में होता तब हम इसके टेंस को बदल देते, बट ये प्रेजेंट में होगा चाहे ये फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस को नहीं बदलेंगे। तो एज इट इज हम लोग उसी टेंस में बनाएंगे। तो बताइए ही के साथ क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, और ये नॉट है तो नॉट लगा देंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे यहाँ पे, टीच लगा देंगे। तो क्या बन गया, अमन सेज दैट ही डिड नॉट अ टीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दे सेड टू मी वी कैन डू दिस जॉब। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इसका। बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दे का दे लिख दिए। अब बताओ यहाँ पर सेड टू आया हुआ है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, यानी कि ये रिपोर्टिंग किस में हो गया, बताइए जरा, पास्ट में हो गया। अब ये पास्ट में है तो सेड टू किस में चेंज होता है, बताएं आप हमें, किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो दे टोल्ड, अब ये क्या हो गया, मी हो गया, दे टोल्ड मी हो गया। इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि हम बता दिए हैं कि आगे आने वाला सेंटेंस जो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो असर्टिव सेंटेंस होगा, दैट हो गया। अब देखते हैं ये आई और वी मिल गया, अब बताएं वी किस पर्सन का प्रोनाउन है। तो वी आप जानते हैं आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर दे, यहाँ पर वी, वी भी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है। दे को जब हम इसके पास लेकर के आएंगे तो ये कौन से केस में है, याद रखना होगा, नॉमिनेटिव केस में। तो दे भी आएगा यहाँ पे कौन से केस में, नॉमिनेटिव केस में। तो दे का नॉमिनेटिव क्या होता है, दे ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में होता है। क्या टेंस बदला जाएगा, तो टेंस बदलने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केवल सेड टू आया हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया। तो जब ये पास्ट में है तो कैन का क्या कर देंगे हम लोग, कैन का क्या कर देंगे भाई, कुड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुड। उसके बाद डू का डू लिख देंगे, और आप जानते हैं दिस को किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दैट। और जॉब का क्या लिखेंगे, जॉब लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस जो कुछ दो चार रूल्स हैं इसके वो आपको अपने माइंड में याद रखने पड़ेंगे, कब क्या होते हैं उन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। बहुत ही आसान नरेशन है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको दो तीन पॉइंट याद रखने पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही विल से टू देम आई हैव इन्फॉर्म्ड योर फ्रेंड्स। बनाते हैं, देखिए क्या बनेगा।
देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ही का ही लिख दिए। अब देखो क्या इसके टेंस को चेंज करना होता है, बिल्कुल चेंज नहीं करना होता, ही का ही, विल का भी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा से आया हुआ है, बाद में इसका ऑब्जेक्ट भी दे दिया, यानी कि ये जो से है वो चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में हो गया, से आया हुआ है तो यहाँ पर से को किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। अगर ये सेड होता तो हम टोल्ड में बदल देते, तो टेल हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, देम लिख दिए, कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे, दैट। कोई पूछे क्यों दैट लगा भाई, तो कह देंगे कि आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव है इसलिए दैट लगाए हैं, दैट हो गया। अब देखें फिर से आपको यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो अभी अभी हम पीछे बदल करके आ रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हो जाएगा। क्या ये टेंस बदला जाएगा, देखते हैं टेंस बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर दिखाई दे रहा है कि विल है, यानी कि फ्यूचर में चला गया, और रिपोर्टिंग वर्ब जब फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में होता है, तो टेंस नहीं चेंज करेंगे। हाँ, आई के साथ हैव है तो ही के साथ क्या लगा देंगे हम, हैज लगा देंगे, क्योंकि हैज और हैव आपके दोनों एक ही टेंस की सहायक क्रिया होती है, तो ही हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन्फॉर्म्ड, फिर क्या है, योर है। अब देखें योर आ गया यहाँ पर, ये योर आपका किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। ये प्रोनाउन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम है, यहाँ पर योर है। अब इस देम को हम इसके पास लेकर के आएंगे और देखेंगे कि जो योर है वो कौन से केस में है। तो योर कौन से केस में है, याद होगा योर पजेसिव केस में है। तो देम का पजेसिव केस क्या होता है, देम किस में आता है पजेसिव केस में, तो क्या हो जाता है, डियर और डियर्स होता है, मालूम होगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डियर लिखा जाएगा, टी एच ई आई आर, डियर हो जाएगा। और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्रेंड्स लिख देंगे। जिसको भी ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर कैसे डियर हो रहा है, यहाँ पर कैसे ही हो रहा है, तो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैन सेड टू मी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैन सेड टू मी आई हैड अ गिफ्ट फॉर यू। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सब सारे क्वेश्चन में। देखिए क्या बनाएंगे इसका, द मैन के क्या लिखेंगे भाई, मैन का तो मैन हो जाएगा, आसानी से कुछ करना है नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पे सेड टू आया हुआ है, सेड टू आया हुआ है, वनली सेड टू आया, यानी कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई देती है, तो बोलिए कौन सा टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है। और इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी दे दिया, तो जब ऑब्जेक्ट दे दिया तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। ये हो गया टोल्ड, और ये क्या लिख देंगे हम, मी लिख देंगे, द मैन टोल्ड मी हो गया। अब बताइए कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, दैट लगाना है, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। ठीक, अब देखें यहाँ पर फिर से आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है, मैन है भाई, मैन है। और मैन यहाँ पर देखिएगा, मैन है यानी कि मैन सिंगुलर है, और नाउन है, तो नाउन जब मिल गया तो हमें प्रोनाउन ढूंढने के लिए किस पर्सन में जाना होता है, थर्ड पर्सन में। और मैन के लिए कौन सा सुटेबल प्रोनाउन मिलेगा आपको, ही सी इट दे में से कौन सा मिलेगा, ही मिलेगा ना, क्योंकि मैन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर से ये, तो ही मिल जाएगा। और ही को जब यहाँ पर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आई हैड अ गिफ्ट फॉर यू, यहाँ पर देखें हैड आया हुआ है, जरा यहीं पर ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस वाले बात को ध्यान से समझ लेंगे। ये जो हैड आया हुआ है, आप जानते हैं, आपने सुना होगा, जानते होंगे, एक हैज और हैव होता है फर्स्ट फॉर्म में, और एक क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पर जो हैड आया हुआ है, ये यही सेकेंड फॉर्म आया हुआ है, यानी कि जब सेकेंड फॉर्म आया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, सेकेंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, क्या होती है भाई, हैड ही होती है ना, पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। और ये जो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है हैड, इसका सेकंड फॉर्म तो ये हैड दिया गया है, लेकिन अब पास्ट परफेक्ट में बदला गया यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की थर्ड वर्ब जो आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है ना, यानी कि ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है,
हैड ही होता है। तो ये तो एक पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, और ये क्या बनेगा इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा। बात समझेंगे फिर से ध्यान से कि ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ये हैड सेकेंड फॉर्म में आया हुआ है मेन वर्ब का, तो सेकेंड फॉर्म में आया हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो ये हो गई एक हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इसका थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी ना, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है हैड होता है, इसलिए ये हैड आपके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये क्या हो गया इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इसलिए हैड और हैड दो बार एक साथ आते हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कैसे होता है। हैड हैड हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे अ गिफ्ट, और फिर क्या लिख देंगे फॉर। अब देखिए यहाँ पर यू आया हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब देखिए यू सेकंड पर्सन का, मी के अनुसार चेंज होगा, मी को यहाँ पर लेकर के आएंगे, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होता है मी का ऑब्जेक्ट भी मी होता है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। ये बातें नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है समझे, सोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी शुड बाय अ कार। बनाते हैं सोहन का क्या लिखेंगे भाई, सोहन का सोहन हो गया, सेड टू हिज फ्रेंड्स पास्ट में हो गया यानी कि ये किसमें बदल देंगे हम, टोल्ड में बदल दिए, और ये हिज का हिज रहने देंगे, और ये क्या बन जाएगा बताइए भाई, फ्रेंड्स बन जाएगा। सोहन टोल्ड हिज फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, दैट लगाना होगा क्योंकि सेंटेंस आगे जो है वो असर्टिव है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है वी, और अब बताइए हमें वी किस पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन का। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सोहन है, ठीक है, और सोहन तो नाम मिल गया यानी कि नाउन है ये, और नाउन का प्रोनाउन लेने के लिए हमें थर्ड पर्सन में जाना होता है, तो थर्ड में हमको ही सी इट मिलता है, और क्या मिलता है दे मिलता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर वी है सोहन है, अब हमें इसके लिए प्रोनाउन ढूंढना है सोहन के लिए, तो इन चारों में से प्रोनाउन हमें सोहन के लिए कौन सा सही होगा, ही से इट और दे में से। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि ही वाला सही होगा क्योंकि सोहन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर चाहिए, सी आ नहीं सकता, इट नॉन लिविंग के लिए आता है और दे तो प्लूरल होता है। तो हम अगर ही को लेकर के इसके पास जाएंगे वी के पास में, तो ये क्या ये वी अपने जगह उसको रख लेगा, नहीं रखेगा, क्यों नहीं रखेगा समझे ध्यान से। अब ये कहेगा जो वी है ये कहेगा कि भाई देखो हम क्या है, हम प्लूरल हैं। ये क्या बोलेगा, वी बोलेगा कि हम प्लूरल फॉर्म में हैं, और जो तुम प्रोनाउन लेकर के आ रहे हो यहां पर वो भी कैसा चाहिए हमें, प्लूरल वाला ही चाहिए, और ही बेचारा क्या है सिंगुलर है। लेकिन अब ये कहेगा कि जब तुम्हें प्लूरल चाहिए तो मैं अपने ग्रुप में जाऊंगा, अपने घर में जाऊंगा, और अपने घर में से किसको लेकर आऊंगा, प्लूरल वाले प्रोनाउन को लेकर के आऊंगा, तो ये ही किससे बदल जाएगा, दे से बदल जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है दे हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, दे लिख दिया जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, दे हो गया। अब बताइएगा टेंस बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा, तो शुड आया हुआ है रिपोर्टिंग में पास्ट में, शुड का क्या लिखते हैं, शुड का क्या लिखते हैं भाई, शुड का शुड ही रहने देते हैं, चेंज ही नहीं होता, शुड का शुड रहने देते हैं। उसके बाद क्या है बाई है, तो ये हो जाएगा बाई और अ कार लिख दिया गया है, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट होगा समझ में आ गया होगा, और अगर जो भी बातें नहीं समझ में आती है आप हमें कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, और आगे ही मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊंगा, जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा।